अभी हम आ चुके हैं धूप में और थोड़ा सा सनशाइन में. तो सनशाइन में मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है. सो दिस इज पेंटेड बाय मी अभी अभी करंटली, और दिस इज जो अभी नहीं हुआ है. ओके वी आर रेडी. तो भाई मैं कर रही हूँ पेंट, और आप देख सकते हो कि भाई इसका कलर क्या चेंज हुआ है. तो मैंने ये कैसे किया, मतलब मैंने अपने प्यू बैग को कैसे ठीक किया, इसको वीगन लेदर को मैंने कैसे ठीक किया. देखो इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, मैं बताती हूँ. आई एम टू. तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके हवा खाऊं, और फिर दोबारा से आपको एक साइड तो ऑलरेडी हो चुकी है पेंट, नेक्स्ट साइड में आपके साथ पेंट करूंगी, कलर बताऊंगी कैसे बनाना है. मेरे पास ब्रश नहीं था. और मैं ईयरफोन लगा के नहीं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो फेल भी हो सकता है, लेकिन वो पास अगर हो गया तो मेरी बल्ले बल्ले है. मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा अपने लिए और सभी के लिए, मतलब मैं आपको भी बताऊँगी वो फॉर्मूला क्या होगा. तो पहले फैन बंद करके आते हैं, कितना भी पसीना आ जाए मुँह को, आज मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना है, बोस करना है, ओल्ड लिफ करना है. ओके वी आर रेडी. तो भाई मैं कर रही हूँ पेंट, और आप देख सकते हो कि भाई इसका कलर क्या चेंज हुआ है. तो मैंने ये कैसे किया, मतलब मैंने अपने प्यू बैग को कैसे ठीक किया, इसको वीगन लेदर को मैंने कैसे ठीक किया. देखो इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, मैं बताती हूँ. आई एम टू चीप यार, आई एम टू मच चीप, मतलब मच भी लगा के बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं हूँ चीप. मैं बताती हूँ इसकी एक पूरी कहानी है. बेसिकली ये बैग मुझे बहुत साल पहले लिया था, और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ, वाटर प्रूफ बैग है, इसमें कुछ भी नहीं जाता अंदर, इसीलिए मैंने इसको बैग को बहुत संभाल के रखा हुआ. एक और चीज़ है, ये मेरी पहली कमाई से था, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है. इसकी वजह से मैंने इस बैग को बहुत सालों से संभाल के रखा हुआ है, और मैंने इसमें पापा के थ्रू चेन भी लगवाई थी, तो मेरे पापा की मेहनत भी है इसमें इंक्लूडेड, इसीलिए मैं इस बैग को मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी. तो इसका पेंट बहुत टाइम से ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कि मतलब बहुत डल और यू वाला लग रहा था. इसी की वजह से मेरे को इसको चेंज करना था. तो चेंज करने के लिए मेरे को मैंने लेदर के लिए गूगल किया, लेदर रिपेयरिंग सेंटर्स नियर बाय मी. तो उसके बाद भाई बहुत सारे सेंटर्स आए, और मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया. जब मैंने कॉन्टैक्ट किया उनका फ़ीस मैं बताती हूँ, ये 4x2 के बैग का फ़ीस वो 18 से 2000 रुपये ले रहे थे. तो मैं तो बहुत शॉक्ड थी, तूने कहा मतलब ठीक है बैग मैंने बहुत कॉस्टली लिया था, लेकिन मैं रिपेयरिंग के लिए इतने पैसे दूंगी, मैं मतलब 10-10 रुपये बचा के मैं चीज़ें करती हूँ यार, मैं दूंगी. तो इस दिमाग को निशाने लगाया एक आइडिया, और निकाला एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया. तो आइडिया ये था कि मेरे को फैब्रिक कलर का इस्तेमाल करना पड़ा. मतलब मैं सोच रही थी कि लेदर पे फैब्रिक कलर चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पहले सर्च किया था इसके बारे में, कि वो अगर मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि फैब्रिक कलर में भी वो कलर नहीं आता है, डार्क ब्राउन और लाइक लेविश ब्राउन नहीं आता है, उसकी वजह से मेरे को वहाँ बहुत फाइंड आउट करना पड़ा, ताकि मेरे को वो एग्जैक्ट कलर मिल पाए, लेकिन नहीं मिला. बहुत टाइम तक सर्च करने के बाद भी नहीं मिला. नहीं मिलने के चक्कर में ना मेरे को पूरा फैब्रिक का कलर का कॉम्बो लेना पड़ा, दिस इज द कॉम्बोज, और फिर मेरे को गूगल सेम गूगल करना पड़ा कि मैं उसको हार्ट कैसे बना सकती हूँ. मतलब मैं ब्राउन कलर तो बहुत इजी है बनाना, रेड में मिक्स करो ब्लू, रेड में ग्रीन मिक्स करो ब्लू में येल्लो एंड ऑल, तो उनको बनाना बहुत इजी है. लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है मेन जो डार्क वाला ब्राउन होता है, जो ब्लैकिश वाला शेड देता है ना, उसको बनाने में बहुत मतलब ताता थैया हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है. तो उसकी वजह से मेरे को ना ये मैंने पहले रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिलाया, जस्ट आप देख सकते हो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने इसको ब्लू ब्लैक के साथ में कनेक्ट किया. मैंने थोड़ा सा ना ब्लैक भी इसमें मिक्स किया. तो ब्लैक मिक्स करने के बाद में मेरा जब कलर आया ना उभर के, मैं अब वापस से बना रही हूँ, क्योंकि मेरी एक ही साइड बैक ही हुई है. फिर मुझे याद आया वीडियो शूट करती हूँ, ताकि लोगों को हेल्प हो सके जिनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और वो मैजिकल बहुत अच्छा मैजिकल काम कर रहा है. क्योंकि मैंने जब बैग को पूरी तरीके से देखा दोबारा, जब वो थोड़ा थोड़ा सूख रहा था ना, तो मैंने देखा ना वो बहुत अमेजिंग काम कर रहा था. इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आपके बैग्स या फिर आपके लाइक सोफे के कवर या फिर कोई भी चीज़ लेदर की है, या सॉरी प्यू लेदर की है,
क्योंकि वो जेन्युइन लेदर पे काम नहीं करेगा, और मतलब जो लोकल लेदर है, अगर आप वो जा रही है और वो आपकी यादें जुड़ी हुई हैं लाइक मी, तो आप उसको ठीक कर सकते हो बहुत ही जनरल चीज़ से, सिर्फ फैब्रिक कलर। तो फैब्रिक कलर वो जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहुत डिफरेंट कलर हैं, उनको मैं एक स्टोर से लेके आई हूँ, दैट इज ब्रांडिंग बाई मिक लिली लाइट की। ये बेसिकली है, आई डोंट नो ये ब्रांड क्या है, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया कि ये ऐसे काम करता है, और उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इसमें कि मतलब उन्होंने पहले यूज़ किया हो या ऐसा वैसा कुछ, उनको जीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि एक बार ट्राई करके देखो, अगर एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो लेदर बैग की शॉप है ही है, पैसा खर्च करो ले तो मतलब ऐसा हुआ था। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके हवा खाऊं, और फिर दोबारा से आपको, एक साइड तो ऑलरेडी हो चुकी है पेंट, नेक्स्ट साइड में आपके साथ पेंट करूंगी, कलर बताऊंगी कैसे बनाना है। मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैंने अपने इन जादू ने जादू वाले हाथों का इस्तेमाल किया। तो वैसे ये पंजे का काम करते हैं तो हाथों का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कलर कर सकती हूँ उनके साथ भी, कई आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं अपने इन हाथों के साथ में। तो चलिए चलते हैं, साथ में बनाते हैं कलर और करते हैं अपने लेदर बैग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और हाँ, इसको मैं कल ऑफिस भी ले जाने वाली हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉर्निंग में जब मैं कॉलेज लेके जाऊँगी। कॉलेज ख़त्म हो चुका है यार मेरा, वैसे थोड़ा होता है ना कि पुराने वाली चीज़ कभी कभी आ जाती है जुबा पे, तो वैसा थोड़ा सा कुछ है, तुम ध्यान मत देना उस पर यार, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा। चलो, तो अभी हम आ चुके हैं धूप में और थोड़ा सा सनशाइन में, तो सनशाइन में मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। सो दिस इज़ पेंटेड बाई मी अभी करेंटली, और दिस इज जो अभी नहीं हुआ है और इसमें बहुत सारे ग्लिचेज हैं। तो गाइज है, तो अब मतलब आपको भरोसा होगा लिटरली, मतलब लिटरली दोनों कितने डिफरेंस है यार, इतना डिफरेंस है, मतलब सैल्यूट कैसे करूँ मैं खुद को। हाँ, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, बहुत चमक रहा है, कितना चमक रहा है। तो ठीक है, अब हम बनाते हैं गेट सेट गो फॉर मेकिंग माई एक्सपेरिमेंटल कलर। तो बेसिकली हमने लिया है एक कटोरी, ब्लैक कटोरी लेनी है आपने, ताकि उसमें कलर ना जा सके, ठीक है। और मैंने इसलिए ब्लैक लिया क्योंकि मेरे पास ब्लैक ही थी, इसका कोई और नहीं है, और ये भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना सच नहीं बोलना है, ठीक है, इसीलिए ले रही हूँ ताकि मतलब वैसे भी ठीक है और वैसे भी पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं। तो हमने खोली तीनों शीशियों की डिब्बी, देखो तीनों शीशियों की डिब्बी खुल चुकी हैं, और मैंने पहले मिलाया है रेड कलर, दिस इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट माई कलर, बिकॉज कभी कुछ कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं लड़की होती जा रही हूँ, नहीं वो तो पहले से थी मैं, वैसे मुझे पहले से शक था, बस लड़की हूँ वो नहीं पता था मुझे। और उसके बाद हम लेंगे ब्लैक कलर मिक्स कर लिया है हमने। अच्छा, इसको मैं वापस से बैक करके दिखाती हूँ आपको, तो ये ऐसे लुक कर रहा है, इसको हमने मिक्स करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें ब्लैक भी मिला हुआ है और रेड भी मिला हुआ है, तो बेसिकली इसको इस तरीके से मिलाना है ताकि आपका बैग का कलर उभर कर आए जो आपने बैग में कलर किया हुआ है। तो मैंने ऐसे ही इसको टेक्सचर को पहले चेक किया है, और ये लाइट में मैं ऐसे चेक कर दूँगी इसको दोबारा से, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जैसा है वैसा लगे। तो बेसिकली लेदर जो होता है, चाहे पीयू लेदर हो, चाहे आपका वीगन लेदर हो, जो आप विदाउट एनिमल यूज़ करते हो, तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं, कम टाइम में ख़राब होने लगते हैं, लेकिन उनको लाइफ लॉन्ग करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। इवन तो आप क्या करोगे उनको, क्योंकि उनकी वो कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं होती है, उनकी केयर इसी तरीके से की जा सकती है, बिकॉज उनका कुछ नहीं होता। तो बेसिकली इसमें मैंने ब्लैक कलर इसीलिए बनाया था कि ताकि वो प्रॉपर तरीके से सी माई माइंड जो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, ठीक है। अब हमारा ये रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से कलर, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फैब्रिक कलर को लगाने का। तो बेसिकली इसको मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था और ये सूख भी चुका है ऑलमोस्ट, तो हम जाएंगे अनदर साइड, ठीक है। तो हम पहले इसमें यहाँ पे कुछ रख लेंगे ताकि ना मेरा ये थोड़ा सा गंदा ना हो पाए, ठीक है। तो मैं आती हूँ आपके पास वापस, पहले मैं कुछ इसके जगह पर रख लेती हूँ। Thank you.
तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगी इसमें, मतलब इसको दोबारा से और वापस से मैं देखूंगी कि भाई पानी डालने के बाद इसका क्या हालत होती है, ठीक होता है या ख़राब होता है, दोनों ही चांसेस हैं। तो पहले मैं लगाती हूँ अपने फ़ोन को चार्ज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी कम है इसकी मेरी तरह। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मेरे बैग को जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो कहाँ तक पहुँचा। टडा, दिस लुक इज़ रियली अमेजिंग। और इसके पीछे का देखो, सबसे ज़्यादा वर्स्ट इसके पीछे का ही था और ये इस तरीके से लुक कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग है मेरा बैग, मुझे वापस से मिल गया। मुझे इस तरह के बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं बता देती हूँ कितने रुपए में मैंने ये सब कुछ किया है। ओनली 150 रुपीज़ में। कैन यू इमेजिन कि 150 रुपीज़ में कोई ये सब कुछ कर सकता है? मैं कर सकती हूँ यार। तो लेदर बैग सबसे ज़्यादा, मतलब ठीक है यार, और आगे भी करती रहूँगी। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तो अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नए व्लॉग में, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी चीज़ में जो आप नहीं कर पा रहे हो। तो आज तक के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग बहुत धांसू आने वाला है, क्योंकि लगातार 3 व्लॉग्स आएंगे। तो भाई तुम लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो ना करो, क्योंकि मैं कह कह के तो थक गई हूँ। तुम करते तो हो नहीं हो, मेरे ऑर्डर्स नहीं मानते हो तुम। वैसे तुम सोचोगे कि ऑर्डर्स क्यों माने, वैसे मैं अपनी बैग के साथ खुश हूँ, ठीक है? तो मेरे ऑर्डर मानो या ना मानो। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप भी ऐसा कर सकते हो जैसा मैंने अपने लेदर बैग को, ठीक है? आप भी ठीक कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेधड़ल्ले से, क्योंकि मैंने अपने बैग को ठीक करने के बाद आपको दिखाया है, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। Thank you for watching. Khatam, bye bye, closed. Ho gaya. Subscribe kar do, warna main famous ho jaungi.